गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन यूनिक स्कूल सीकर। इन प्रीवियस क्लास वी वर रीडिंग अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड आफ्टर दैन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टुडे इन दिस क्लास वी आर रीडिंग अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फर्स्टली तो अपन यहाँ बात करते हैं कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। किस पर है? डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मीन्स क्या होता है कि टू अपन क्या लेते हैं, करेक्टर्स लेते हैं और उन टू करेक्टर्स को लेकर के और फिर उनमें क्या करवाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। तो इससे होगा क्या, इसको क्यों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा है? वो इसलिए कि जब अपन दो जब कॉन्ट्रास्टेड जब अपन करेक्टर्स लेते हैं और करेक्टर्स लेकर के जब अपन उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर की हेरिडिटी के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं होता है। एक करेक्टर की हेरिडिटी का दूसरे करेक्टर की जो हेरिडिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं होता है। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, इट मीन्स दैट कि जो एलील्स हैं एक करेक्टर के, जो एलील्स हैं वो दूसरे करेक्टर से ना केवल सिर्फ सेपरेट होते हैं बल्कि या अपन ये कहें बट कि जो करेक्टर्स के जो एलील हैं, जो वेरियस करेक्टर्स के जो एलील हैं वो एलील एक दूसरे के प्रति, ठीक है, एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करते हैं। समझ में आ गई बात, क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि अपन यहाँ क्या लेते हैं, टू अपन ये कह दो कि एलील्स या टू करेक्टर, ठीक है। अब जब इन टू करेक्टर के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन से एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं होता है। अब जब एक दूसरे का ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं होता है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, इट मीन्स कि वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं, ठीक है। और क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट, ओके। अब यहाँ पर इसको अपन एक एग्जांपल के बेस के ऊपर अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो जैसे कि अपने पास में लास्ट में अपन ने देखा था, एक तो देखा था सीड की शेप और एक देखा था अपन ने सीड का कलर, ठीक है। तो अपन वहाँ से जो एक तो था डोमिनेंट और एक क्या था रिसेसिव, ओके। तो डोमिनेंट में कौन सा था, जो कलर था उसमें तो येलो और जो शेप थी उसमें राउंडेड। तो मैं ये लिखूं येलो राउंडेड, ओके। और इधर क्या आ जाएगा, ग्रीन रिंग्ड, ठीक है। या मैंने कहा कि ग्रीन क्या हो जाता है, श्रिंक्ड जो है वो अपन ने लिए। अब यहाँ पर देखो येलो राउंडेड यानी कि येलो यानी कैपिटल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल आर। इधर क्या हो जाएगा, अब ये कैपिटल वाई है तो यहाँ पर ले लेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया डोमिनेंट यानी कि ये हो गया अपन ये कहें तो ये हो गया होमोजाइगस। और ये क्या हो, ये तो होमोजाइगस येलो राउंडेड,
और ये होमोजाइगस ग्रीन श्रिंक हो गया। ओके, दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस है। अब यहाँ से इनके यदि गेमिट अपन निकालें तो यहाँ से गेमिट क्या आएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर आएगा। अब इनके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, यानी कि यहाँ पर अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये अपने पास में क्या आ गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई, आ गई ना, क्या आ गई, हेटेरोजाइगस आ गया। अब हेटेरोजाइगस भी कैसा है, ये क्या है, येलो राउंडेड है, क्या है, येलो राउंडेड, और ये कौन सी जनरेशन आ गई, एफ वन जनरेशन। ओके, कौन सी जनरेशन आ गई, एफ वन जनरेशन आ गई। क्या हुआ यहां पर, इनका मैंने क्या बताया आपको, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में भी यहां इसको क्या करवाया अपन ने, क्रॉस पॉलिनेशन, क्या हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। ये क्या थी यहां पर, ये थी पेरेंटल जनरेशन, और ये क्या आ गई, गैमेट, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन से अपने को F1 जनरेशन गेन हो गई। अब इस F1 जनरेशन से अपन क्या करते हैं, F2 जनरेशन गेन करते हैं, जैसे कि अपन ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए किया था। अब यहां से इसके लिए करते हैं, तो देखो मैं यहां से इसको पहले ही इसके दोनों अलग अलग कर देता हूं, जैसे कि एक तो अपन ने मेल और एक क्या हो गया, फीमेल, ठीक है, फीमेल को तो ओ पॉजिटिव और इधर ये ओ के ऊपर तीर का निशान। ओके, अब यहाँ एक इसका क्या हो गया, कैपिटल वाई, ठीक है, देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनके जो है पेयर जो है वो पेयर अपन लेते हैं, तो यहाँ पर इसको अपन क्या कर सकते हैं, पेयर में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको अपन यहाँ से पेयर के अंदर ब्रेक कैसे करेंगे, या अपन ये कहें कि अब इसमें अपन क्या करवाते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, अब सेल्फ पोलिनेशन। तो जो भी अपन चार इसके फोर ग्रुप्स बनेंगे, वो फोर ग्रुप्स क्या होंगे, वही मेल के होंगे और वही किसके होंगे, फीमेल के होंगे, जैसे कि किसमें हुआ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर अपन ने किया था। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से अपन फोर ग्रुप्स में इसको किस प्रकार ब्रेक कर सकते हैं, अपने को एक तो वाई पार्ट लेना है और एक क्या लेना है, आर का लेना है। तो मैंने लिया पहले, देखो इसको अपन चार इसके फोर पार्ट्स बनाते हैं, कैपिटल वाई और उसके साथ में कैपिटल आर वन, फिर कैपिटल वाई और उसके साथ में स्मॉल आर येलो सेकंड, फिर थर्ड क्या आ गया, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये थर्ड, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर येलो। तो यही फोर किस में रहेंगे, मेल में, और यही किस में आएंगे, फीमेल में आएंगे। अब इनको क्या बनाते हैं अपन, इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो देखो देखते हैं, अब इसके आगे फोर पार्ट्स अपने को करने हैं, वन टू थ्री और ये फोर, ठीक है, ये लो। अब इधर भी फोर करने हैं, तो वन टू थ्री और ये हो गए फोर। ओके,
अब इधर जो अपन ने फोर ग्रुप्स बनाए, पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो इधर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर बन गए। अब इनमें वही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अब यहाँ से देखो अपने पास क्या गेन होता है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं अपन, कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर या स्मॉल आर कैपिटल आर, एक ही बात है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों में करना है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर ये आ गया स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई और फिर स्मॉल आर। तो ये अपने पास देखो, अब यहाँ पर 16 ग्रुप्स अपने पास फाइंड हो गए, देखो चेकर बोर्ड में कितने हो गए, 16 हो गए ना। अब इनको अपने को क्या बनाना है, इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप बनाना है। यदि अपने को इसका नेम देना हो तो ये देखो क्या हो गया, ये है येल्लो राउंड, ये क्या है येल्लो राउंड, ये कैसा है येल्लो राउंड, ये भी कैसा है येल्लो राउंड, ठीक है। इधर देखो ये कैसा है येल्लो और राउंड, ये कैसा आ गया येल्लो है लेकिन कैसा है डब्ल्यू आर आई एन के एल ई डी रिंग्ड, और ये येल्लो है और राउंड है, ये कैसा है येल्लो है और रिंग। ओके, इसी प्रकार ये येल्लो राउंड, ये येल्लो और राउंड, ये येल्लो नियम, ये क्या हो गया ग्रीन राउंड, ये कैसा हो गया ग्रीन राउंड, ये हो गया येल्लो राउंड, ये हो गया येल्लो रिंग्ड, और ये ग्रीन रिंग्ड, सॉरी ग्रीन राउंड, और ये ग्रीन रिंग। ओके, तो ये तो क्या है, अपन बाहर से देख करके इसको क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, यानी इसके बेस पर अपन क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका अपन फिनोटाइप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं इसका फिनोटाइप बना सकते हैं। तो फिनोटाइप में इसको कितने ग्रुप्स में यहाँ डिवाइड कर दिया अपन ने, इसको यहाँ पर फोर ग्रुप्स में है,
फोर ग्रुप्स कौन से हैं? एक तो है इसमें येलो राउंड, ठीक है, देखो येलो राउंड आ रहा है, फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, एक येलो रिंग्ड आ रहा है, या फिर राउंड के में देखें तो फिर दूसरा क्या आ जाएगा, ग्रीन राउंड, दूसरा क्या आ गया, ग्रीन राउंड आ गया, देखो ग्रीन राउंड, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तीसरा क्या आ गया, येलो रिंग्ड, ठीक है, देखो ग्रीन, ये रहा येलो रिंग्ड रहेगा, और एक फिर लास्ट में क्या रह गया, ग्रीन रिंग, ठीक है। अब यदि इसका अपन रेशियो निकाले तो रेशियो कितना आता है, 9:3:3:1, कितना आता है, 9:3:3:1। देखो येलो राउंड काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, आ गए येलो राउंड 9। फिर है ग्रीन राउंड की बात करते हैं अपन, देखो ग्रीन राउंड एक तो ये रहा 1, फिर ग्रीन राउंड 2 और ग्रीन राउंड 3। येलो रिंग की बात कर लो, येलो रिंग 1, फिर येलो रिंग 2, येलो रिंग 3, येलो 3, और फिर क्या रह गया, ग्रीन रिंग, ये रहा ग्रीन रिंग 1। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, ये 9, 3, 12, 2, 3, 15 और 1, 16, और ये टोटल कितने हो गए, 16। तो ये तो क्या हो गया, इसका फिनोटाइप हो गया, ये तो किसकी बात कर ली अपन ने, फिनोटाइप की बात हुई। अब अपन इसका निकालते हैं क्या, जीनोटाइप, यदि अपन इसका निकालें तो जीनोटाइप जो है वो जीनोटाइप किस बेस पर निकलेगा, ठीक है, ये देखो ये जो है इनके बेस पर अपन निकाल लेते हैं, नेम के बेस पर तो अपन ने फिनोटाइप निकाल लिया, अब ये जो फॉर्मूला फॉर्मूला टाइप में जैसे लिखे हुए हैं YR, ठीक है, तो इनको जो ये 16 है इनको अब अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, फिर अपन इनको इनसे अपन क्या निकालेंगे, जीनोटाइप, और इनसे जब अपन जीनोटाइप निकालेंगे तो जीनोटाइप अपने पास कितना आएगा, 1:2:2, फिर इसमें क्या आ जाएगा, 4:1:2, 122, आपको ध्यान याद रखने के लिए 122, 412 और 121, 1:2:1। अब इसको काउंट कर लो, देखो 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 और 4, 16, ओके। तो ये इसका क्या है, जीनोटाइप है, आप यहाँ से ये जो है इनको अलग अलग लिख करके और यहाँ से आप इनका जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और जैसे फॉर ऑफलाइन क्लास होगी तो ऑफलाइन क्लास में मैं आपको यहाँ से जो इसका जीनोटाइप है वो जीनोटाइप यहाँ से निकाल करके बता दूंगा। तो यहाँ से जो अपना ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ये लॉ ऑफ सॉरी जो अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, ये यहाँ पर टॉपिक कम्प्लीट हुआ। आफ्टर देन अपन बात करते हैं कि जो ये मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो यदि इम्पोर्टेंस की अपन बात देखें तो अपन कभी कभार क्या देखते हैं कि जो लेथल जीन होते हैं, ये लेथल जीन यानी जो जो कि क्या होते हैं, घातक होते हैं प्लांट्स के लिए, ये लेथल जीन क्या कर जाते हैं, प्लांट के अंदर एंटर कर जाते हैं या प्लांट के साथ में होते हैं, तो ये क्या नहीं कर पाते, अपना जो इफेक्ट है वो इफेक्ट शो नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, डोमिनेंट जीन होता है, और ये डोमिनेंट जो जीन है ये लेथल जीन को अपना इफेक्ट जो है वो शो नहीं करने देता। दूसरा अपन बात करें कि ये जो जीन कॉन्सेप्ट है वो जीन कॉन्सेप्ट भी क्या है, अब आगे की आप हायर क्लासेस के अंदर जीन कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो ये जो जीन कॉन्सेप्ट है, जीन कॉन्सेप्ट भी किससे क्लियर होता है, जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट, उससे जो है वो जीन कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आता है। और इसके अलावा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, इससे अपन क्या कह सकते हैं कि जो टू एलील्स है
वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्या अपन कहें कि ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड्स हैं वन जील जो है उसमें क्या होते हैं, टू एलिल्स प्रजेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो न्यू कैरेक्टर हैं क्रॉस हाइब्रिड से, वो बेटर अंडरस्टूड, बेटर अपन क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं किससे, मेंडल के लॉ से। इसके अलावा जो क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस भी यहाँ से, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस से क्या हो सकता है कि जो भी हार्मफुल जो करेक्टर्स होते हैं या जो जो कि क्या नहीं है, यूजलेस ट्रेड्स हैं, वो यूजलेस ट्रेड्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर होता है जीन का, उससे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और जो सिर्फ यूजफुल जो ट्रेड्स हैं वो यूजफुल ट्रेड्स ही बॉडी के अंदर रहते हैं, ये भी मेंडल के लॉ से अपने को पता चलता है। इसके अलावा जो ब्रांच है यूजेनिक्स, यूजेनिक्स ये ब्रांच क्या है कि ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के लिए फंक्शन करती है, वो भी जो है मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। तो इस प्रकार इसके वेरियस क्या है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और इन इम्पोर्टेंस को आप बुक से इजी वे में आप इसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और इजीली ये क्या हो जाएंगे आपके अंडरस्टैंड, समझ में आ जाएंगे। जो इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो वर्ड्स जो है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आप नेक्स्ट हायर क्लासेस के अंदर उनकी डिटेल में स्टडी आप करोगे, यहाँ आप उनका मीन्स जो है आपको नहीं समझ में आए। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो वो डाउट आप मैसेज में सेंड कर सकते हैं, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और इसी टॉपिक के साथ आपका जो थर्ड चैप्टर है जेनेटिक्स, वो थर्ड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम वाला फोर्थ चैप्टर है, उस फोर्थ चैप्टर को अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।